Ayer no será bien. Yes. As far as the character is concerned, bada acha character tha ye when I heard about the character from Shahid last year in fact. Aur main bada interest ho mujhe in fact interesting laga mujhe aur I thought like I gave you the choice to choose between the three characters. I thought this one is better. So alag alag character alag alag kirdar nibhane ka mauka mil raha hai. That is ye khushi ki baat hai mere liye. Main fakhr mehsoos kar raha hu kyunki unhe alag agar karna hai to usme mehnat lagti hai. To dekha jaye to My journey is of line 19 years. अभी फिर मैं तो अभी शुरू हुए हैं आना but though my career has started in 99 तब मैं बच्चा था तो चीजें सीखी things worked out in fact like you know अभी 10-12 फिल्में जो रिलीज हुई हैं best part is like my character my looks are different in all the films so ये वाला look जो है ये केसरी का look है and I'm playing the main lead in the film so that's big I'm a, that will release in the month of March next year. ओके सो द सेम वे जब मैंने टाइटल सुना लतीफ टू लादेन तो सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि ये लादेन थोड़ा सा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लतीफ टू लादेन लादेन समझ में आया बट देन हु इज लतीफ तो लतीफ मुझे बताया गया कि हु इज लतीफ एंड हाउ ही बुक बिकम लादेन मोस्ट वांटेड मैन मोस्ट वांटेड मैन ऑफ द कंट्री इन माय माइंड Well, as I was aware of the story about the story, so it was not new for me. I could relate to the same character, Lateef, because when the narration was with me first time, I was aware that this simple, innocent man, he becomes, by these circumstances, he becomes the most wanted man of the country. And he doesn't even know that I'm most wanted. So, that was the reason I understood the same because of the narration. Otherwise, if I was a layman, I didn't know about the story, maybe that would have been a little difficult for me to understand why this name is. So, I think that was the case, in my case. But he was there from the very beginning, so he'll be able to explain more. So, this is Lateef. So, you asked about the title of Lateef, so Laden. Laden is a known name. तो सब जानते हैं तो लतीफ एक बहुत कैची नेम है ये फारूक टू लादेन भी हो सकता था कुछ भी हो सकता था बट लतीफ अपने आप में एक बहुत कैची है लतीफ टू लादेन अगर कहीं साउंड भी ऐसा करता है मतलब बहुत कैची लगता है नाम तो ये जब हमने टाइटल डिसाइड किया था तो ये हम मतलब मैं डायरेक्टर सेटअप से होता हम लोग स्क्रिप्ट पर काफ़ी वर्क करते हैं तो उसी टाइम पर हमें ये माइंड में आ रहा था कि कोई ऐसा नाम हो जो कैची हो जो इस लाइन को पूरा कम्प्लीट करे अब फारूक टू लादेन को देखें तो वो ना कैची नहीं लग रहा लतीफ टू लादेन फ्लो में भी है इट्स इन अ फ्लो अपने आप में बहुत कैची नाम है और स्टार्ट्स विद एल अगेन इंटरेस्टिंग है स्टार्ट्स विद एल हां स्टार्ट तो लतीफ लादेन को सभी जानते हैं अब लतीफ को भी जानने लगेंगे लेकिन ट्रेलर भी हमने देखा है एक चीज जो देख के लगता है कि मतलब फिल्म कुछ और भी एलिमेंट के साथ बन सकती है लेकिन इसको एक ह्यूमर के तौर पे लेके जा रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई है जो एक हंसी के साथ दिखा रही है खुशी के साथ उसे आगे ले जा रहे हैं कहानी जब सुनी आपने कहानी के साथ जब ये लिखा जा रहा था जब शोएब काजमी जी हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया हमें जो शोएब काजमी डायरेक्टर हैं उनको शोएब काजमी जी हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है उन्होंने जब कॉन्सेप्ट बताया तो जो डायरेक्टर हैं शोएब काजमी उनको बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने कॉन्सेप्ट पर बोला कि हम लोग इस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे हम सीरियस फिल्म बनाने लग गए अगर हैदर एक फिल्म बनी थी कश्मीर पे वो एक सब्जेक्टिव फिल्म थी उन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात की है टॉपिक पे बात की दैट वाज अडैप्टेशन ऑफ हैमलेट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आपको अपनी सोसाइटी के बारे में जैसे कि मंटू का मैंने परसों भी एक कहीं पर जिक्र किया था मंटू वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के बारे में इंसान को फिल्मों के जरिए बात करनी चाहिए और अगर आप हंसते हुए कोई बात अगर आप हंसते हुए किसी को प्यार से गाली भी दोगे तो उसे बुरा नहीं लगता तो इसीलिए कोई इश्यू अगर हंसते हुए आप बोलोगे तो इंसान थोड़ी देर के लिए उस पर हंसेगा लेकिन डाउन द लाइन वो एक सवाल आपके दिमाग में बीज कर जाएगा कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन और द आंसर फॉर दिस समझ में भी जैसे आपने कहा कि यार मैं अगर इंसानी हिस्सा बन के कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मैंने किया वो सलमान
थॉट प्रोसेस और कितना इंस्पायर है आप सब? नहीं डेफिनेटली बचपन से अगर हम देखें तो उनकी फिल्में देखते आए हैं. मैं इनफैक्ट आई रिमेंबर फ्रॉम माई मैंने प्यार किया से शायद आज तक सारी फिल्में देखी होंगी ऑलमोस्ट. और जब पहली बार ही सामने देखा दो ऐसा स्टार स्ट्रक तो नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हूँ. और मैंने फर्स्ट इंटरेक्टेड विद हिम तो वहाँ पर लगा यार मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट स्पीकिंग टू सम स्टार. सलमान खान जैसे नाम सुनते हैं तो एक ऑरा समझ में आता है. 10-15 बॉडीगार्ड से एक 50 लोगों की पुलिस की टीम आती है तो वो आपके जहन में आता है. बट व्हेन यू स्पीक टू हिम एज अ पर्सन ही इज़ इन्फॉर्मेटिव ही इज़ अ लर्न्ड मैन. और वहाँ से इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है जब वो बातें करते हैं. हमने कश्मीर में जब बैठे थे बजरंगी के दौरान तो हम वी यूज़ टू टॉक अबाउट फॉरेस्ट्स टू प्रिजर्व फॉरेस्ट्स. और एक और एंगल एक और साइड उनका देखने को मिला एट द पार्टी जब उनके फार्म हाउस पर हुई थी तो वो दिल से एक बच्चे हैं. जैसे कि दिल से बच्चा होना एग्जैक्टली दिल से कोई बच्चा है इस हिसाब से वो उछल कूद स्विमिंग पूल सबको लाइफ लीव्स. इनफैक्ट आई रिमेंबर एक एडी को 10 मिनट में स्विमिंग सिखाई. दिस इज समथिंग बिकॉज एडी के लिए भी यही बात थी कि मुझे सलमान खान सिखा रहा है तो उसका पता नहीं क्या हो गया 10 मिनट में सीख गया. सो दैट इज द केस ही हैज दैट ऑरा व्हिच इज वंडरफुल एक्चुअली. यू हैव डन ऑल थैंक यू. ओके केसरी के बारे में भी कुछ सम कह दूं. केसरी के बारे में तो भाई धर्मा से पूछो. बट ये है कि ये फिल्म सारागढ़ी पे बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बेस्ड है और अक्षय कुमार उसमें लीड कर रहे हैं और धर्मा की फिल्म है. और उसमें पठान वर्सेस सिख फौज है और आई एम प्लेइंग द चीफ इन पठान जो एंड अगेंस्ट में है. हम तीन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तीन पठान हैं. तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स एंटीगनिस्ट नेगेटिव लीड्स इन द फिल्म. और शेड्यूल कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से नवंबर में और रिलीज होने की डेट है 21st of March 2019. नहीं नर्वस नहीं है बट क्या है कि जब आप काफ़ी मेहनत करते हैं स्ट्रगल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी. तो एक नर्वसनेस रहता ही है अंदर क्या बटरफ्लाईज देखा जाए. बीइंग नर्वस इज नॉर्मल. अगर आप नर्वस हैं आप नॉर्मल हैं क्योंकि एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हो और फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो. ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है. जब इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है कि मुझे लाइफ में ये करना है तो फिर उस पर आपको खराब भी होता है तो थोड़ा सा नर्वसनेस थोड़ा सा वो डर वो अंदर रहता ही है कहीं ना कहीं. बट जो इन्होंने कहा कि तैयारी करिए है तो वो तैयारी बहुत काम आती है. अगर आपके आई पर्सनली बिलीव योर प्रिपरेशन मेक्स एन अपॉर्चुनिटी दैट्स लक. तो ये अपना मानना है. That's what thank you. Thank you. जो आपने किलर देखा किस तरह का अनुभव हुआ और इस तरह की फिल्म में जो सब्जेक्ट है आजकल आपको बहुत ऑब्वियस सब्जेक्ट पे फिल्म बन रहा है कितनी अच्छी बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ अटेंशन कैच करने वाली थी वो था म्यूज़िक. उस म्यूज़िक जिस तरह से वो प्ले हो रहा था ट्रेलर में एंड द मूवी में उसमें क्या हो रहा था कि बहुत एनर्जेटिक साउंड हो रहा था. द फील वॉज सो गुड कि बंदा बैठ कर देखना चाहेगा. दैट वॉज द मेन थिंग ऑडियंस के लिए. हमको ये चाहिए कि हम बैठ कर वो मूवी देखें. सो दैट इज़ पास दैट इज़ चेक. Second thing, yes, this kind of topics are always very sensitive. But it's okay, जब किसी भी जब जयललिता पर मूवी बन सकती है तो ये तो बहुत नॉर्मल का टॉपिक है. दैट इज़ ओके. आई थिंक आजकल की ऑडियंस सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कोई कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली. पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस मूवी. टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ आप खुद क्या बताएंगे पास्ट प्रेजेंट में काम किया आपने और जो फ्यूचर प्लान कर रही हैं क्या कहना चाहेंगी इस मूवी से. उसका कोई लेना देना नहीं बट हाँ मैंने अभी रोडीज जीता है 2017 में और आगे फिटनेस को लेके आई एम प्लानिंग टू कम अप विद माय शो सो आई एम प्लानिंग टू रीच आउट टू चैनल. से चैनल अप्रूव कर देता है तो मैं उसके बारे में डिस्क्लोज कर सकती हूँ. और ये एक्टिंग और फिटनेस हमेशा मिक्स रहेगा. फिटनेस कहीं भी जाने वाला मुझसे. आई एम ओपन टू डू ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स बट मुझे वो एक मेन स्ट्रीम वाला काम नहीं करना. इफ आई एम डूइंग हिंदी इफ आई एम डूइंग सीरियल इट हैज टू बी वेरी स्पेशल. I think the trailer was really amazing because to have मतलब ऐसी एक फिल्म जहाँ एक स्टार नहीं है बट स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट स्टार है. आई थिंक दैट इज़ द न्यू वेव इन सिनेमा जो आज हम देख पा रहे हैं. और मुझे बहुत स्पेशल लगा क्योंकि जो एक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स को लेके जो स्क्रिप्ट को लेके जो कॉन्सेप्ट को लेके उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. और वो डायनामिक लगा मुझे बहुत फास्ट पेस लगा ड्रामेटिक लगा और बहुत रॉ वो जो फीलिंग है बहुत रॉनेस थी वो मैंने बहुत इन्जॉय किया.